नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर है। इस बारे ये सर्जिकल स्ट्राइक ईरान ने की है। बताया जा रहा है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी वॉर गार्ड ने पाकिस्तान में घुसकर अपने सैनिकों को रिहा करा लिया। वहां की फोर्स ने एक बयान में यह दावा किया कि पाकिस्तान के अंदर एक खुफिया ऑपरेशन में अपने दो सैनिकों को छुड़ा लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को अपना पहला राजनयिक संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने वैश्विक मंच पर राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका इज बैक का ऐलान किया और अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की बेतरतीब विदेश नीति के बाद एक नए युग का वादा किया। बाइडेन ने अपने भाषण में चीन और रूस के लिए आक्रामक रुख अपनाए जाने के संकेत दिए। साथ ही म्यांमार के सैन्य नेताओं से तख्तापलट को खत्म करने का आग्रह किया और यमन में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य अभियान के लिए अमेरिका समर्थन को समाप्त करने का ऐलान किया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच संसद का सत्र भी चल रहा है, जहां विपक्ष की ओर से इस मसले को जोरों शोरों से उठाया जा रहा है और गुरुवार को 10 विपक्षी दलों के सांसदों ने किसान आंदोलन के मसले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें अपील की गई है कि किसानों के आंदोलन स्थल पर जो एक्शन लिए जा रहे हैं उन्हें रोका जाए, आंदोलन स्थल पर बिजली पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाए। आंदोलन के बीच किसानों का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी के लिए महेंद्र टिकैत का टिकैत फार्मूला लागू किया जाए। टिकैत फार्मूला के अंतर्गत उन्होंने गेहूं का दाम सोने के साथ जोड़ दिया और कहा कि जिस गति में सोने की कीमत बढ़े उसी दर से गेहूं के दाम भी बढ़े। ग्रेटा थनबर्ग के भड़काऊ ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है, जिसे लेकर पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने फिर ट्वीट करके कहा है कि वो किसानों के साथ खड़ी हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि मैं किसानों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के साथ हूं, कोई भी नफरत धमकी इसे बदल नहीं सकती। ग्रेटा थनबर्ग ने ये ट्वीट दिल्ली पुलिस द्वारा की गई FIR के बाद किया है। आज राज्यसभा की कार्रवाई में किसानों के मुद्दे पर फिर बात चल रही है। इस दौरान शिवसेना सांसद संजय राउत बोले कि सरकार किसान आंदोलन की एकजुटता तोड़ने में क्यों लगी है। जब किसान मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा और कोरोना काल में लंगर में बांट रहा था तो वो देश प्रेमी था, और अब जब वो अपने हकों की लड़ाई के लिए लड़ रहा है तो खालिस्तानी हो गया। संजय राउत ने कहा है कि किसानों का ये आंदोलन जब तक जिंदा है तब तक ये देश जिंदा है, सारा देश उनके साथ है। देश की राजधानी दिल्ली में आज से फिर से 9वीं और 11वीं क्लास के स्कूल खुल गए हैं। कोरोना संकट काल के कारण पिछले साल स्कूल बंद रहे और ऑनलाइन क्लास के सहारे ही बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की। शुक्रवार को बच्चे स्कूल में मास्क पहनकर पहुंचे और एंट्री के वक्त भी कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन किया गया। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के लिए जनवरी में ही स्कूल खोल दिए थे। तेल कंपनी ने शुक्रवार को फिर डीजल और पेट्रोल के दाम में 30-30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। गुरुवार को भी दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की गई। इस बात के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल आज 86.95 रुपए लीटर और डीजल 70.13 रुपए प्रति लीटर पर चला गया है। उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी ने एक बार फिर से एंट्री मारी है, खासकर तीनों पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी ने वहां की धरती को सफेद कर दिया है। ज्यादातर हिल स्टेशन में पारा शून्य के नीचे जा चुका है। इसकी वजह से दिल्ली NCR समेत कई मैदानी राज्यों में बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आज भी दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश की संभावना है। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से 4 टेस्ट मैचों के सीरीज का आगाज हो गया है। चेन्नई के चेपक स्टेडियम में सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है। भारत का इंग्लैंड के खिलाफ इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड शानदार रहा है। इंग्लैंड की टीम भारत को 35 साल से इस ग्राउंड पर नहीं हरा सकी है। वहीं इंग्लैंड टॉस जीतकर बैटिंग कर रहा है और भारत पहले गेंदबाज कर रहा है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।